हेलो दोस्तों, ओके टेक्निकल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आधार कार्ड में जन्म तिथि कैसे सुधारें। सुधारने के लिए सबसे पहले आप जो आप जन्म तिथि सुधारना चाहते हैं उसका कोई प्रूफ, जैसे कि मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, कोई सर्टिफिकेट, जैसे कि जो जन्म तिथि आप सुधारना चाहते हैं वही जन्म तिथि सर्टिफिकेट में रहेगा, तभी आपका आधार कार्ड सुधरेगा। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जाने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे माई आधार। माई आधार सर्च करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करें। सर्च करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर इंटर करें। अपना आधार नंबर इंटर करें। आधार नंबर इंटर करें। अपना आधार नंबर इंटर करें। इंटर करने के बाद कैप्चा इंटर करें। कैप्चा इंटर हो जाने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। उसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। आधार रजिस्टर नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन अपडेट सर्विस पर क्लिक करें। ऑनलाइन अपडेट सर्विस पर क्लिक करने के बाद अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू आधार ऑनलाइन पर क्लिक करें। अब आपको डेट ऑफ बर्थ सुधारना है तो डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू वेरीफाई आधार पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना जो डेट ऑफ बर्थ सुधारना चाहते हैं उसमें इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करें। अपना डेट ऑफ बर्थ चूज होने के बाद अपना डॉक्यूमेंट चूज करें। डॉक्यूमेंट चूज करें जो आप आधार कार्ड में देना चाहते हैं, आधार कार्ड सुधारने में देना चाहते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ चूज होने के बाद डॉक्यूमेंट चूज करें। डॉक्यूमेंट चूज करें, लेकिन मेरे पास मार्कशीट है तो मार्कशीट चूज करके ओके करें। ओके करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें। कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करें। हम अपना मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं। अपलोड हो मार्कशीट अपलोड कर चुके हैं। अपलोड करने के बाद ओके करें। ओके करने के बाद दोनों पर टिक लगाएं। टिक लगा कर नेक्स्ट करें। टिक लगा नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कर इस पर टिक लगाएं। टिक लगा कर मेक पेमेंट। आपको 50 रुपया का पेमेंट काटा जाएगा। अब अपना पेमेंट चूज करें। फ़ोन पे से कटाना चाहते हैं फ़ोन पे से कटाएं, चाहे नेट बैंकिंग से कटाना चाहते हैं नेट बैंकिंग से कटाएं। पेमेंट होने के बाद अपना रसीद डाउनलोड कर लें। कब पेमेंट सक्सेसफुल हो गया उसके बाद अपना रिसीविंग डाउनलोड कर लें। देख सकते हैं आपका रिसीविंग ऐसा होगा। 4-5 दिन के बाद आपका आधार कार्ड सुधर जाएगा।